के को देता हूँ ये न्यू वॉर्ड है। हाँ। ये कोरोना की बीमारी का बहाना बना रखा है नहीं। हाँ हाँ। ये सारे देशों के प्रधानमंत्री उनकी मतलब आपका काबू करा के ये बहुत बड़ा संसार का गेम है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हुए उनके लिए और बीमारी तो पहले मैं 70-75 साल का गया चैत का महीना और आशुत का महीना में माता निकलिया करती उसका तो नाश हो गया खत्म कर दिया सरकार ने लेकिन और आखिर सर आया करता है आपने तो कोई देखे हुआ लाल लाल डरे हो जाते आपने देखे हो वो उस टाइम वो है नहीं करते और ये भी ये जो कोरोना का इतनी मतलब भय बैठ दिया लोगों के अंदर बीमारी खोटी से बीमारी खोटी से बीमारी खोटी है जो और एडमिट हो गया अस्पताल के अंदर वो तो पंगम लिपटे आए मरे आए अब जो आपका घर गोली खाली जो मैं साधारण गोली खाली उनसे ठीक हो गया और ये भी जो ये आओगा नहीं ये 15-20 दिन तो करेंगे अगर भाई ठीक ठाक से हमने पाबंदी हटा ली और ये चैत का भी ना हुआ चैत के भी ना फिर तुड़का फुड़की वही होया करना है ताप बुखार सरवा लिगाड़ा बिगाड़ा तीसरा साल हो गया गेंग का और ये तो बहुत बड़ी गेंग है गेंग का मतलब काबू करने का मतलब विचार है पूरे विश्व पर हमें राज करा प्रधानमंत्री भी नहीं कहा था अगले वन वर्ल्ड ऑर्डर एक देश एक चुनाव एक एक दुनिया एक जैसा स्वास्थ्य सिस्टम नहीं कह रहा था भी तो इबके चुनाव मन दिखे इबके इसकी इबका तो चुनाव ऑर्डर होगा इसकी डाटी पढ़नी पड़ेगी डाटी डाटी को नहीं सरकार सरकार सारे पढ़ेंगे अगर इलेक्शन नहीं होने दिए तो फिर क्या करोगे था वो इलेक्शन तो अपना अधिकार है वोट गिरने का आप नतीजों के दा इलेक्शन को नमे सारी जिंदगी का राजा बन गया फिर क्या करोगे फिर आप क्या मैं तरसा दीप दिल्ली बैठ के आए हमें 100 साल के नेने ये मन में तो यूं ही गुंदा और एक आदमी नहीं पता मानता कोई मानता कोई मान नहीं होगी अरे जे जे किसी का साइड इफेक्ट आ रहा है इनका शाब नहीं करवांदे ये तो आवेगा फिर जो भी आओगा तो दिल्ली तो चलना ही पड़ेगा अपना देखो जी मेरी बात सुनो इस किसान आंदोलन ने इस दुनिया अपने भारत की जनता को सारी चीज सिखाई दी नरेंद्र भी सिखाई दी है बोलन भी सिखाई दी है छोटू राम कह के मिर्गेरा बोलन सीख ले हर वजह की मैं कहीं भी सीख ले फिर उस वो मन बात ही समझ में आई बात समझ में आई बोलने का क्या फायदा हुआ मतलब सच्चाई पकड़े होना क्या फायदा होगा आज तो आपने सही पंखे पाड़ दिए प्रिंसिपल के देखो जी मेरी बात सुनो एक किसी ने भी गलत तो काम कौन करो आपका अधिकार जी कुछ है नहीं या गुड़ गुड़ कम करो उसके लिए जरूर विरोध करना चाहिए अधिकार नहीं छीन लेना चाहिए क्योंकि वो तो अधिकार मतलब भगवान ने दे रखे है आपने और भगवान ने उन सरकारों को दे रखे है अधिकार क्यों छीन हमारे भाई वो वाइस प्रिंसिपल छुट्टी लेकर भाई जी की जी मेरा लगा तब और आला है इसको इस मेरे पोते ने कह दे वो पहले मर गया बड़ा ये बड़ा कर ले आज हम कर देंगे खुद ही मेरा बढ़िया पे मिल के कमाल होगा तू ये संधि पा लिया था छुट्टी लेके भाई जी पहले मामला क्या था पूरा मामला क्या था मामला ये था कि अपने मतलब दो लड़की है वहाँ बहने एक बांझी है और उनको मतलब 8-10 दिन से वहाँ चले जा रहे हैं पावड़ा हिसार 8-10 दिन से यही मामला चल रहा था घर पे आगे वापिस जावे तो उस टाइम यही चीज थी कि भाई अपना वैक्सीनेशन का कार्ड ले आओ और आओ नहीं तो अपने घर जाके बैठ जाओ ठीक है और बिना वैक्सीनेशन कार्ड के कोई एंट्री नहीं हमारे विद्यालय में और मैंने ये भी कहा था कि आपका विद्यालय जो है वो चांद में है सुप्रीम कोर्ट आ रहे हाई कोर्ट के मतलब उसके नियंत्रण से बाहर है क्या वो बोले नहीं नहीं हमारा तो है ही अच्छा नहीं हमारे में तो है कंपलसरी हमारे में तो है ही तो फिर आज के बोली बा आज तो बोली तो थी है तो है ही भाई जी प्रिंसिपल के बोला प्रिंसिपल तो बोला क्या नहीं नहीं प्रिंसिपल तो ये बोले कि देखो उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो हम उसकी तरफ से बोले माफी मांगते हैं माफी मांगते हैं ठीक है और हम और उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी गलती है ना और हम तो कंपलसरी कह नहीं रहे फिर मैंने यही कहा था कि अगर कंपलसरी नहीं है तो फिर आपके मतलब आपके विद्यालय की तो मैडम है वो तो उन्होंने ये बात क्यों बोल दी हमारा बच्चा घर पे बैठे उस दिन से अरे जब बाय चांस आप दबाव में आकर लुआ लेने दे रहे ना 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 नहीं जब कई लोग तो लुआए भी होंगे इस धक्के में वो स्कूल वाले ने कह दिया तो लुआने पड़ेंगे लगवा के मैं जिस दिन गया था ना एक दिन पहले भी उस दिन भी तो गार्डन लग रहे थे
काटन लग यो यो जो नुकसान वाकर की उस दिन भी जब वो कुड़िया मेरे साथ थी उस टाइम भी मतलब एक मैडम आई थी उस टाइम बोले वैक्सीनेशन करवा ली कोविड का मां बेटी से नाम की हां मतलब वो एक एक बालक ना छांट छांट के लेने लग रहे जमाने मैं ही कह रहा जब मान लो किसी बालक का हो जाए कुछ तो यार मैडम तो जिम्मेदार है ही नहीं बिल्कुल क्योंकि अगला तो प्रिंसिपल कहता मैं था नहीं इसने करवा दिया और अपना छुट्टी वह माँ बाप ही याद रखो भाई जब किसी बालक के कुछ ताप तूप चढ़ जाए कुछ और हो जाए तो इस मैडम ने आप कोर्ट में खींचांगे सुप्रीम कोर्ट में इसकी नौकरी ना तो खावांगे यानी इन्हें छोड़ दे किसे लायक भी मैंने वो मैडम थी मुझे कहा भी था एक बार हाँ। जी इसमें तो लिखा हुआ है ना भाई इसमें ये कहा लिखा हुआ है कि इसमें कंपलसरी है हाँ। ये तो है नहीं वर्ड तो है ही नहीं और उसको वो जो अपने वो ना एडवोकेट साहब ने जो बना रखा है वो प्रिंट प्रिंट आउट मैंने देखा माँ जी आप कितने कितने मतलब उसको लीगल लॉ को आप कितने को वायलेट कर रहे हो और आपके ऊपर कितनी धाराएं लग सकती है आप ये देख लो आप एक बार आप वो देखते वो बात मतलब भाई